दोस्तों, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। सिर्फ लैपटॉप के जरिए आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ना कोई ऑफिस लेने की रिक्वायरमेंट है, ना स्टाफ को हायर करने की जरूरत है। मैं बात कर रही हूँ ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग आप करके खुद का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और अच्छी इनकम बना सकते हैं। हाय, मेरा नाम चिंतन है। आइडियाज फॉर एक्स्ट्रा इनकम में आपका स्वागत है। ब्लॉगिंग मतलब एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना रहेगा और उसके ऊपर आपको लिखना है। लिख के आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, पूरे वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, जो भी नॉलेज आपके पास है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट है, जैसे स्पोर्ट्स में आप एक्सपर्ट है, म्यूजिक में, कुकिंग में, डांस, स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्सपर्ट है, तो उसके ऊपर आप लिख के लोगों को इन्फॉर्म करें, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में, जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करें उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दीजिए। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं लिखने के लिए, वो उसका गूगल पे रिसर्च करिए, क्योंकि शायद आपको जो पसंद है वो जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें ना पसंद है, और जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका जो फेवरेट टॉपिक है शायद वो आपको ना पसंद आए। उसका रिसर्च करिए कि ज्यादा कौन सा टॉपिक लोग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, रिसर्च करके आपका टॉपिक सिलेक्ट करिए। टॉपिक डिसाइड होने के बाद आपको ब्लॉग को सेट करना है। ब्लॉग को सेट करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक डोमेन और दूसरा होस्टिंग। डोमेन मतलब आपके वेबसाइट का नाम या वेबसाइट का एड्रेस। डोमेन नेम आप GoDaddy.com जैसे साइट से परचेज कर सकते हैं, और आपको इसे टाइम टू टाइम रिन्यू भी करना होता है। होस्टिंग मतलब जो आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, जो उसमें आपने इमेजेस बनाए हैं, जो इमेजेस आपने वहाँ पे रखे हैं, उसे वहाँ पे स्टोर करना, उसे होस्टिंग किया जाता है। तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट होगी ब्लॉग सेटअप करने के लिए, डोमेन नेम और होस्टिंग की, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है ब्लॉग सेटअप के लिए। डोमेन और होस्टिंग होने के बाद वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ब्लॉग इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कोडिंग और टेक्निकल नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्डप्रेस में बहुत सारे लेआउट अवेलेबल है जिसे थीम कहा जाता है। आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री भी होते हैं और पेड थीम भी होते हैं। आपको जो पसंद आए वो आप अपनी वेबसाइट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, और आपका टॉपिक क्या है उसी के ऊपर आप ब्लॉग करिए। आपका जो आर्टिकल है वो मिनिमम 800 वर्ड्स का होना चाहिए। 800 वर्ड्स का या 800 से ज्यादा भी होगा तो गूगल सर्च इंजिन में वो आ सकता है। 800 वर्ड से कम होगा तो गूगल सर्चिंग में वो नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा आपका जो आर्टिकल है, जो आप लिखने वाले हैं, उसका जो वर्डिंग्स है वो मिनिमम 800 वर्ड का होना ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लॉगिंग से इनकम कैसे जनरेट की जाती है। आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप लिख के भी भेज सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।